और बंकी जंग से इस वक्त सीधे बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो का ममता पर हमला, बंगाल में दीदी का मतलब दहशत है, ये कहा बाबुल सुप्रियो ने। साथ ही कहा कि खेला होबे का नारा एक तरह से धमकी ही है। बाबुल सुप्रियो जो कि ममता बनर्जी पर बरसते हुए नजर आए, टीएमसी संगठित तरीके से गुंडागर्दी करती है। साथ ही इन्होंने कहा बंगाल में असली परिवर्तन अब इस बार होकर के रहेगा। बाबुल सुप्रियो ने आज कहा कि खेला होबे का नारा एक तरीके से जो दिया गया है वो धमकी है। क्या कहेंगे, जनता का जोश यहाँ देखते ही बन रहा है। आपके आगमन से पहले यहाँ जनता से बात की तो साफ तौर पर कहा कि परिवर्तन की लहर है इस सीट पर, चूंकि 2006 से यहाँ पर विश्वास साहब जीत रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर शून्य बटा शून्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। और ये आज तो थोड़ा सा लेट शुरुआत की, क्योंकि कल सुबह 4 बजे तक मीटिंग थी। बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, क्योंकि टीएमसी की जो गुंडागर्दी है वो एक ऑर्गेनाइज लेवल पे है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो और अरूप विश्वास जी जो है, वो अरूप विश्वास और उनके भाई स्वरूप विश्वास जो है, इस इलाके में नहीं पूरे बंगाल में नोटोरियस है इस तरीके के गूंज को शेल्टर करना, पुलिस स्टेशंस को का दुरुपयोग करना। तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी सारे मीटिंग्स करने पड़ते हैं, लड़कों को धमकाया जा रहा है, औरतों के घर पे जाके उनको बोल रहे कि हमें पोलिंग बूथ का एजेंट्स का लिस्ट दे दीजिए, नहीं तो बाद में देख लेंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं चल रहा कि 2 तारीख के बाद जो है लोग उनकी तरफ भी नहीं देखेंगे। सर, तो, दो चरणों में बंपर वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है, चूँकि जब वोटर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो घर से निकलता है किसी भी हालत में, क्या ये परिवर्तन के लिए इतनी वोटिंग हो रही है? बिल्कुल, परिवर्तन के लिए वोटिंग तो हो ही रही है, और असली परिवर्तन के लिए वोटिंग हो रही है। परिवर्तन के लिए वोटिंग तो 2011 में भी हुआ था, लेकिन हमने जो देखा उसमें उन्नयन जो है, जो डेवलपमेंट जो शब्द है संविधान अपना शब्दकोश में, डिक्शनरी में उसका माने दीदी ने बदल दिया। उन्नयन का मतलब हो गया एक टर्म जहाँ पे गुंडे, दीदी के गुंडे जो है मुंह पे सफ़ेद कपड़ा बांध के हर चौराहे पे खड़े रहेंगे। ये उनके नेता का बयान है कि उन्नयन जो है हमारा हर कॉर्नर पे खड़े रहेंगे। और देखिए, ये खेला होबे जो स्लोगन दीदी ने दिया है, ये भी तो एक तरीके का वेल्ड थ्रेट है। ये खेला होबे क्यों भाई? आप गवर्नेंस इज़ अ सीरियस जॉब, गवर्नमेंट चलाना कोई खेला नहीं है, कोई छेले खेला नहीं है। तो इसीलिए ये असली परिवर्तन है, जो बंगाल की हेरिटेज जो है, दीदी का जो मतलब, असली दीदी का मतलब यहाँ पे दहशत है। दीदी का मतलब है जो रोज कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलेंगे, अपना नया लॉ क्रिएट करेंगे। दीदी का असली मतलब, उन्नयन का असली मतलब, और बंगाल का जो बंगाल मतलब जो है, बंगाल नाम ही काफ़ी है बोलते हैं ना, उसी को वापस लाना है। नंदीग्राम से हार रही है और बौखलाहट इस कदर कि 2 घंटे एक बूथ पर बैठना पड़ा, और अब वो सेंट्रल फोर्स को भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है सेंट्रल फोर्स। अब देखिए, इस टाइप का बौखलाहट जब आ जाए, जब कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है उसे तो वो निभा रही है, लास्ट 2 महीना है उसको निभाना पड़ेगा, लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरीके का बात करेंगे हमारे सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स के खिलाफ, और प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर लेके सबके खिलाफ जो ये जो मोर्चा खोली है, ये उसी की निशानी है। जब आपको खेलना नहीं आता है, जब आपको मालूम है कि पब्लिक की जो राय है आपके खिलाफ जा रहा है, तब आप ज़मीन दिखाते हैं कि ज़मीन ख़राब है नाचने के लिए, फिर आपको अंपायर्स गलत दिखते हैं, मैच फिक्सिंग नज़र आती है। तो यही दीदी का है, 100% नंदीग्राम से भी हार रही है, और उनके ज़्यादातर जो बड़े प्रत्याशी है जिन्होंने लोगों के ऊपर ऑर्गेनाइज ये दहशत चलाई है, सब हारेंगे आप देखना। सर, अब तक जय श्री राम से चिड़ हुआ करती थी, लेकिन अब वो अपने आप को हिंदुत्व बता रही हैं, हिंदू की बेटी बता रही हैं, सांडले गोद बता रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं। क्या अब समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की पिच पर ही चलकर उनको कोई यहाँ पर सफलता मिल सकती है थोड़ी? लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति तो हमने किया नहीं, हमने वही किया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर आप कहें भले वो मुस्लिम महिलाओं की ट्रिपल तलाक को एबोलिश करना हो, या जो लोग को अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाम पे जो है यहाँ के जो मेजॉरिटी है, ये हम माइनॉरिटी इसलिए कहते हैं, देखिए माइनॉरिटीज़ को वो वोट बैंक के तौर पे यूज़ किया, उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म कोई परिकल्पना नहीं है। आप जैसे मथुआ गोष्ठी देखिए, उनको बड़ों माँ जो उनके थे उनके पास जाना बैठना, उनको वोट के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन जब उनको 50 साल से वो लोग रहे नहीं, जब उनको CA जो है, जब उनको सम्मानिक जो है, उनको सम्मान के साथ भारत के नागरिकत्व मिलने का बात आती है, सिटीजनशिप,
तब वही ममता बनर्जी रास्ते का कांटा होकर खड़ी हो गई। तो उनके आइडियोलॉजी में कोई कोई पैरिटी नहीं है, पैरिटी नहीं है, मतलब इराटिक बिहेवियर विद इराटिक गवर्नेंस एंड दैट गवर्नेंस इज क्रिमिनलाइज पॉलिटिसाइज एंड एंड पीपल फील मार्जिनलाइज। सो वी हैव नॉट डन एनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वी हैव डन वॉट शुड बी डन इन द सेंस ऑफ बींग इक्वल टू एवरी वन। हमने तो कोई धर्म नहीं देखा जब हमने 8 करोड़ गैस दिया, हमने कोई धर्म नहीं देखा जब आवास योजना का दिया, दीदी ने देखी है और अभी उसीलिए दीदी को ये सब करना पड़ रहा है। लोग इसे क्या नहीं समझ रहे हैं और जो भी मंत्र पढ़ते हैं वो गलत है, उसके भी मीम्स बन रहे हैं। एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी और TMC कह रही है कि विधायक का फेस नहीं मिला तो अब सांसदों को मैदान में उतार दिया है। नहीं नहीं, उनको कहने दीजिए। देखिए, हम बंगाल के भूमि पुत्र हैं, अगर हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं जॉब इन हैंड क्या है। अगर बंगाल के लिए ऐसी अगर पार्टी समझती है कि बंगाल में जो बंगाली सांसद है उनमें से कुछ लोगों को अहम सीटों में लड़ाया जाए, तो ये पार्टी की डिसीजन है और हमें इसे ना ही सिर्फ सराहना चाहिए, हमें पूरी तरीके से, जैसे मैं देखिए पूरी तरीके से हमारे सारे बाकी सांसद बंधु जो है हम उस पर पूरा अपने मन को निमज्जित करके लड़ रहे हैं, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट ये है कि बंगाल जो हमारा जो जहाँ से हम पैदा हुए हैं उस इलाके को, उसके लोगों को, बंगाली बंगाल में रहने वाले लोगों को, जिनको दीदी बहिरागत बोल रहे हैं और इतने सारे नॉन बंगालीज बंगाल को समृद्ध किया इतने सालों से, इतने लोगों को नौकरी दिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सबको वो बंगाल वापस देना जिस बंगाल में एम्प्लॉयमेंट हो, जिस बंगाल में उन्नयन हो। अब क्या बताया, दीदी ने सब बर्बाद कर दिया, वो भी नहीं है और सब सरकारी आंकड़े जो है वो झूठ बताया जा रहा है। ये इलाके में आप देखेंगे क्या उन्नयन की बात कर रहे हैं, पूरा ये रॉलीगंज जिला का दो भाइयों का गिरफ्त में है, उन्हीं का कंट्रोल चलता है, उन्हीं का तोलाबाजी चलता है, यही तो बात है, यही है और इसी के खिलाफ लड़ाई है। और हम लड़ाई जो है पहले दो मत जो चरण के आपने मतदान देखी है उसमें जो 80% के ऊपर वोट गिरी है ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और मोदी जी का सरकार यहाँ पे बनना चाहिए, BJP को मौका देना चाहिए, असली परिवर्तन सोनार बंगला होना चाहिए, इसी के पक्ष में ये वोट गिरी है और 2 तारीख को इसकी नतीजा दी। सर, इस बार फाइनल कमेंट चाहूंगी आपका, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ला रही है? ये मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो हमारे माननीय अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, बिल्कुल 200 पार एंड यू कैन एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। इस बार जो हमें जो लोकप्रियता, जो लोगों का प्यार, जो सपोर्ट मिल रहे हैं 200 पार बिल्कुल बिल्कुल अमित शाह जी जो है बिना वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो आंकड़ा गलत नहीं होता है, आप देख लेना 2 तारीख को। बहुत धन्यवाद सर, बेस्ट ऑफ लक, आप आगे प्रचार के लिए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए।